हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइन लाइफ क्रिएशंस, लेट्स कुकिंग विद शाइन। और आज की हमारी रेसिपी स्पाइसी चिकन बिना मसाला की है, जिसके लिए सबसे पहले हमें चिकन मैरिनेट कर। मैंने यहाँ पे 1 kg चिकन लिया है, उसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया, उसके बाद रेड चिली पाउडर और उसके बाद टर्मेरिक पाउडर और होममेड जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। और उसके बाद हम आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मसाले जो थे वो सारे अलग अलग डाल के रख दिए हैं। और मैंने यहाँ पैन रखा, पैन में मैंने ऑयल ऐड किया, मैंने रिफाइंड ऑयल ऐड किया है। आपको जो भी ऑयल ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, मैंने यहाँ पे ज़ीरा मसाला ऐड किया। और उसके बाद हमें इसमें ऑनियन ऐड करना है, जो कि मैंने चॉप किया है चॉपर में डाल के। आप इसे ग्राइंडर में मैश मत करना, उस चीज़ का पानी अलग हो जाता है। और फिर ये हम चिकन बिना मसाला बना रहे हैं, तो इसके लिए जो हमारा ऑनियन है उसको सब्जियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर यहाँ पर हम ऑनियन से अच्छे से पकाएंगे तो उसके लिए लाइट ब्राउन हो जाता है। उसके बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे, जिससे कि ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगा और अच्छे से भुन जाएगा। इसे अच्छे से भुनना है और काफ़ी टाइम तक हमें इसे पकाना है। यहाँ पे मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगा 1 टीस्पून, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। इसे भी अच्छे से भुनना है, क्योंकि आप पेस्ट यहाँ पर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया और ये जल्दी जल्दी से हमारा जो प्याज है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। जब हमारा प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर प्यूरी। मैंने टमाटर प्यूरी ऐड कर लिया, उसके बाद ग्रीन चिली और सारे मसाले जो हमने डाले हुए थे, ये मिक्स मसाला, ये चिकन मसाला, जीरा मसाला, टमाटर पाउडर, रेड चिली पाउडर, साल्ट, टर्मरिक और जो जो भी मसाले अपने हिसाब से यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हो। इसमें आप जिस भी कंपनी का मसाला यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो। मेरे यहाँ से कुछ मसाले नहीं हुए थे, कुछ कुछ हैं वो मार्केट से लिए हुए हैं। उसके बाद हमें इसे ढक के अच्छे से पकने देना है, जब तक कि ये अच्छे से भुन ना जाए, उसका जो बॉटल है वो अलग हो जाए और जो ऑयल है वो अच्छे से साइड हो जाए। उसके बाद हमने यहाँ पे जो चिकन मैरिनेट करके रखा था उसे इसमें ऐड करना है और फिर अच्छे से पकने देना है। इसमें वाटर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना और चिकन को भी हमें अच्छे से भुनना है। यहाँ पर मिक्स करेंगे हम इसे अच्छे से, जिसे अच्छे से भुनेंगे 15 से 20 मिनट। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो उसके बाद हम वाटर ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसमें बिल्कुल भी वाटर ऐड नहीं करेंगे। और जब आप अपने चिकन भुनने के लिए रखते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर लें, क्योंकि इससे ये अच्छे से भुन जाएगा। और ये घी जो है वो जरूरी है यहाँ पर ऐड करना। तो आप यहाँ पर जब बनाएंगे तो आप ये ऐड कर लें और देख सकते हो आप यहाँ पर बना रहे थे चिकन कितने अच्छे से भुन गया है। इस स्टेज पर हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे एक अच्छे फ्लेवर के लिए। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसे ढक्कन लगा के कुछ और टाइम के लिए भुनने देंगे। आप देख सकते हो कितने अच्छे से भुन गया है। पर ये जो हमारा चिकन है वो अभी तक गला नहीं है, अभी हमें इसे गलाना है, इसे भुना है, जिससे जो चिकन की स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे हम वाटर ऐड करेंगे। मैं ये सजेस्ट करूँगी आप ज़्यादा वाटर ऐड मत करना, मैंने भी यहाँ पे बहुत कम वाटर ऐड किया है। अगर आप ज़्यादा वाटर ऐड करोगे तो इसका अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। और फिर हमने इसे ढक के 2 फ्लेम पर पकाना है, कि जिससे ये अच्छे से गल जाए। यहाँ पर हमारा चिकन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है।
और आप हमारा चिकन जो भी है आप इसे सर्व कर सकते हो नॉन के साथ, चावल के साथ, आप जिस चीज़ के लिए सर्व करना चाहते हो आप सर्व कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा चिकन बहुत अच्छे तरीके से रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल, गुड बाय।